चलिए क्लास फोर्थ के बच्चे अब रेडी हो जाएं। अब हमको एक्सरसाइज करनी है। हमने चैप्टर को पूरा समझ लिया है, जो भी चीज़ें थी यहाँ पर, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हमने ग्रामर में सब पढ़ लिया। अब क्या करना है हमको, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी चलो स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लेंगे और पेंसिल ले लेंगे और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस। मतलब अरेंज करना है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको अरेंज कर देना है आपको, और एक सिंपल सा सेंटेंस बना देना है जो करेक्ट हो, ठीक है। इसके बाद यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स। मतलब यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज करना है, क्वेश्चन मार्क का यूज करना है जहाँ पर जरूरत हो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कब लगाओगे, इंट्रोगेटिव में, तो जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, नहीं तो असर्टिव बना रहे हो या सिंपल सेंटेंस तो उसमें क्या करोगे, सिंपल सा फुल स्टॉप लगा दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, मुंबई बिग सिटी इज। मुंबई बड़ी है और सिटी बड़ी सिटी है, ठीक है। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, हमें समझ में आ गया कि मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई एक बड़ी सिटी है, ठीक है, बड़ा शहर है। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया, ठीक है। आप मीन्स समझोगे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट करना था, हमने सब्जेक्ट कर दिया, मुंबई के बारे में बता रहा है, मुंबई कर दिया, इज अ बिग सिटी प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब इसके बाद करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया, इज मुंबई महाराष्ट्र इन। तो इस पे क्या कर देंगे, इस पे कर देंगे मुंबई इज इन महाराष्ट्र। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो ये भी हमारा हो गया, मुंबई के बारे में बता रहा है, आपको पता है कि महाराष्ट्र में है, तो बस मुंबई इज महाराष्ट्र, मुंबई इज इन महाराष्ट्र हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, हैज प्लेसेस इट मेनी विजिट टू। इस पर क्या कर देंगे, क्वेश्चन में चेंज करेंगे हम इसको, तो हैज इट विजिट टू मेनी प्लेसेस, क्या वह बहुत सारे प्लेसेस को विजिट करना रखता है, मतलब उसने विजिट किया है, हो गया क्वेश्चन में चेंज। फिर क्वेश्चन नंबर फोर, टूरिस्ट लाइक विजिट टू मेनी मुंबई। मतलब कि टूरिस्ट हैं जो पसंद करते हैं विजिट, मतलब यात्रा करना, जाना वहां घूमना फिरना, मेनी बहुत सारे और मुंबई मुंबई में है ना, समझ में आ गया। चलो कर देते, सबसे पहले किसके बारे में बता रहा है, टूरिस्ट के बारे में, तो मेनी टूरिस्ट, बहुत सारे टूरिस्ट क्या करते हैं, लाइक करते हैं। फिर क्या लाइक करते हैं, टू विजिट मतलब कि विजिट करना, यात्रा करना, कहाँ की, मुंबई, मुंबई घूमना पसंद करते हैं बहुत सारे टूरिस्ट, हो गया ये वाला भी। नेक्स्ट देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर फाइव पे दिया गया, सम हैज ब्यूटीफुल इट बीचेस वेरी। तो इसमें क्या कर देंगे, इट हैज सम वेरी ब्यूटीफुल बीचेस, मतलब इट हैज सम वेरी ब्यूटी, कोई कोई स्थान है, कोई प्लेस है, कोई गार्डन बोल सकते हो आप, या कोई पार्क जिस पर बहुत सारे ब्यूटीफुल बीच बने हुए हैं, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, इज गेटवे ऑफ इंडिया द इन मुंबई। तो आपको पता चल गया गेटवे ऑफ मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में, तो कर देंगे द गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई। नेक्स्ट पे देखते हैं, फेमस इज ऑल वर्ल्ड इट ओवर द। तो इसको क्या कर देंगे, इट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई चीज है जो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एट नंबर में देखते हैं, मेनी लिव फिल्म एक्टर्स मुंबई इन। आपको पता है ना मुंबई में बहुत सारे फिल्म एक्टर रहते हैं, तो बस इसको अरेंज कर देना है प्रॉपर ऑर्डर पर। तो यहाँ किसके बारे में बता रहा है, मेनी फिल्म एक्टर्स, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स क्या है, लिव इन मुंबई, मुंबई में है, मुंबई में रहते हैं, ठीक है। तो ये भी अरेंज हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में क्या दिया गया है, पुट अ टिक If it is a proper sentence and cross if it is not a sentence। इस पर देखना है हमको कि कौन सा सेंटेंस प्रॉपर है, ठीक है। आप देखते हो ना, जो प्रॉपर ऑर्डर पर अरेंज हो, जिसका प्रॉपर मीन्स निकलता हो, वो एक सेंटेंस होता है। तो जो करेक्ट सेंटेंस है उस पर टिक कर देना, जो नहीं है उस पर क्रॉस। सी लाइक्स टू ईट, वह खाना पसंद करती है, क्या है, प्रॉपर सेंटेंस, मीन्स निकल रहा है तो टिक कर दिया। फिर ही लाइक्स, वह भी पसंद करता है, कुछ पसंद करता होगा, इस पे भी टिक कर दिया। वुड गो, इसका तो मीन्स नहीं निकल रहा, जाना चाहिए, वुड गो पता नहीं क्या कर रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना ही ये वो हेल्पिंग वर्ब से, तो स्टार्ट नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। फिर रितु इज अ क्लेवर गर्ल, रितु क्या है, क्लेवर, रितु क्या है, क्लेवर गर्ल है, तो ये भी कंप्लीट हो गया, इस पे भी टिक कर देना है। वी विल गो फॉर अ वॉक, हम वॉक के लिए जाएंगे, ठीक है, तो ये भी टिक कर दोगे क्योंकि इसका भी मीन्स निकल रहा है। हैड बैट आई अ बॉट, ये प्रॉपर ऑर्डर पर अरेंज नहीं है, समझ में आ रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फिर काउज ईट ग्रास, जो गाय है वो घास खाती है, हाँ प्रॉपर मीन्स निकल रहा है, तो इसको क्या कर देंगे,
टिक कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कैन राइट, इसका तो मीन्स निकल नहीं रहा, तो क्या कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। फिर ब्रदर इज ही माई, इसका भी मीन्स नहीं निकल रहा, क्यों, इधर उधर दिया गया, ही इज माई ब्रदर होना चाहिए, ठीक है, तो गलत कर देंगे, इसको भी क्रॉस कर देंगे। अ हैन लेड एन एग, जो हैन है उसने एक अंडा दिया, तो ये तो निकल रहा है इसका मीन्स, तो इसको टिक कर देंगे। ओके, कंप्लीट हो गया सेकेंड क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। सी में क्या दिया गया है देखते हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर असर्टिव इंपरेटिव्स क्वेश्चंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इस पे दिया गया है कि हमें पहचानना है कहाँ पर असर्टिव है, कहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है, और कहाँ पर क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव, और कहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, असर्टिव सेंटेंस पर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा, मेन वर्ब से स्टार्ट होगा और लास्ट में फुल स्टॉप। क्वेश्चन में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, और हो सकता है डब्ल्यू एच वर्ड्स भी आगे आ जाएं या फिर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो हम पहचान जाएंगे, क्वेश्चन पुटअप करेगा वो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में फीलिंग शो होती है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, देखिए द कंसर्ट वुड बिगन इन 2 आवर्स, कंसर्ट 2 आवर्स में बिगन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। सिंपल सा बता रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या होता है, सिंपल सा जो कुछ कहता है या स्टेटमेंट देता है तो उसमें हम असर्टिव सेंटेंस कर देते हैं। असर्टिव की मीनिंग राइट कर दोगे सेंटेंस में, एस छोटा सा वो बना देना, वो क्या कहते हैं, शॉर्टकट पे, ठीक है, शॉर्टकट पे बन जाएगा बस, नहीं तो बड़ा हो जाएगा तो आएगा नहीं, आपको टेक्स्ट बुक पे ही करना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया द बर्ड्स आर चॉपिंग, दो बर्ड्स हैं वो चॉपिंग कर रही हैं, चहचहा रही हैं, तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट दे रहा है, सिंपल से बता रहा है कोई चीज़ है ना, तो स्टेटमेंट में क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में दिया गया है हाउ मेनी पीपल्स वर देयर, कितने पीपल वहाँ हैं, तो यहाँ पूछ रहा है ना कि कितने पीपल हैं वहाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर देखो क्वेश्चन मार्क भी लगाया है लास्ट में। ग्रीन इज माई फेवरेट कलर, ग्रीन के बारे में बता रहा है, ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है, तो ग्रीन हो गया सब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सा एक स्टेटमेंट दे रहा है, असर्टिव सेंटेंस हो गया। फिर व्हाट अ नॉइज दे आर मेकिंग, मतलब कितना शोर है जो वो कर रहे हैं, मतलब किस तरह का शोर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, फीलिंग शो हो रही है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, कौन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6 पर मीट मी एट माई होम, कोई कहता है कि मेरे घर पर मुझे मिलो, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस, बिकॉज ये मीट क्या है, मिलना और वर्ब है, पहले आया है और कोई कह रहा है कि मेरे घर पर मिलो, मतलब आपको या तो एडवाइस कर रहा होगा या तो ऑर्डर दे रहा होगा, शायद विश कर रहा होगा, आराम से कहेगा कि मेरे घर पर आ जाओ मुझसे मिल लो, तो वहां पर विश कर रहा है, वो मिलना चाहता है। लेकिन अगर उस तरह बोल रहा है कि चलो मेरे घर पे मिलो मुझको, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फिर डू यू वांट कोक और पेप्सी, कोई कहता है क्या आपको पेप्सी लेनी है या कोक लेना है, तो वो पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेशन मार्क भी लगा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, हेल्थ के बारे में बताया गया है कि हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। देखो जो हेल्थ होती है वो वेल्थ से ज्यादा बेटर होती है, मतलब कि हमारा बॉडी है तो वेल्थ भी, धन भी आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा स्टेटमेंट दिया गया है, असर्टिव सेंटेंस कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे अलास माय अंकल इज डेड, उसको दुख हो रहा है, अरे मेरे अंकल तो खत्म हो गए, मतलब डेड हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग शो हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, 10 पर देखेंगे, इनसर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट, हाँ आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ रखा है, अभी पढ़ा है ना पीछे, ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो पढ़ा है आपने, अब इसको क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, कैसे पहचानेंगे, जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, समझ लेना, द पर्सन और थिंग दैट वी स्पीक अबाउट इज सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा वो, और व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होगा, जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। चलो यहां पर देखते हैं, फर्स्ट नंबर पर सुहानी कैन कम विद अस फॉर द मूवी, सुहानी हमारे साथ मूवी देखने को आ सकती है, तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, सुहानी के बारे में, सुहानी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो इस पे इन सर्कल कर देना है, सर्कल बना देना है, और इधर क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, जो प्रेडिकेट पार्ट होगा, सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी तो पूरा प्रेडिकेट पार्ट ही होगा,
चलिए सेकंड पे देखते हैं, द लिटिल बॉय स्वीपिंग द फ्लोर। लिटिल बॉय है जो फ्लोर को साफ कर रहा है। किसके बारे में बात हो रही, किसके बारे में बताया जा रहा है, लिटिल बॉय के बारे में। तो लिटिल बॉय हो गया सब्जेक्ट, बाकी ये हो गया प्रेडिकेट। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, डिनर विल बी रेडी इन 15 मिनट। डिनर 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो किसके बारे में बात हो रही, डिनर के बारे में। तो डिनर क्या हो गया, सब्जेक्ट इनसर्कल कर दिया, बाकी जो है प्रेडिकेट उसके अंडरलाइन कर दिया। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें हेल्प करनी चाहिए पुअर लोग की। तो क्या करेंगे इस पर, वी के बारे में बात हो रही, हमें हमें हमारे बारे में बात हो रही, तो हम सब्जेक्ट हो गया वी, बाकी बचा प्रेडिकेट अंडरलाइन कर देंगे। फिफ्थ में देखते हैं, सागर एंड मोनिका वर्क सो हार्ड ऑन दियर प्रोजेक्ट। सागर और मोनिका अपने प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करते हैं। किसके बारे में बात हो रही है, सागर एंड मोनिका। तो ये सब्जेक्ट, इस पर सर्कल कर देंगे, बाकी इस पर अंडरलाइन जो प्रेडिकेट पार्ट है। सिक्स्थ में देखते हैं, द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। कुत्ता है, कुत्ते होते हैं जो क्या करते हैं, स्ट्रेंजर पर भौंकते थे। तो यहाँ पर बॉक्स होना चाहिए, मतलब कि एस लगा रहना चाहिए, क्योंकि कुत्ते तो भौंकते ही हैं, भौंकते थे नहीं, भौंकते भी हैं। तो मतलब एक स्टेटमेंट जो सही होता है, जो अभी हो रहा होता है, उसको सिंपल प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट ज़्यादा बेटर होता है, पास्ट कम बेटर होता है। कोई बात नहीं, इस पे देखेंगे, द डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर, जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते थे, किस पर, स्ट्रेंजर पर, अजनबी पर। कोई स्टोरी आ गई होगी तो उस पर बता दिया, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते थे। चलिए इस पे द डॉग हो जाएगा, सॉरी, इस पर क्या होगा, द डॉग करेंगे हम सब्जेक्ट, और बार्क एट स्ट्रेंजर ये हो जाएगा पूरा प्रेडिकेट। ओके, याद रखिएगा, यहाँ पर ओनली द डॉग होगा सब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है, डॉग के बारे में। तो द डॉग्स हो जाएगा सब्जेक्ट, और बार्क एट स्ट्रेंजर ये हो जाएगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ स्विमर्स कंप्लीटेड इन द रेस इन दिस ईयर। बहुत सारे स्विमर थे, बहुत सारे नंबर में, मतलब बहुत ज़्यादा थे, और उन्होंने क्या किया, इन दिस ईयर कंप्लीटेड द रेस, इस साल रेस को कंप्लीट कर लिया। तो किसके बारे में बात हो रही है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्विमर्स, बहुत सारे स्विमर जितने भी हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी प्रेडिकेट अंडरलाइन कर दिया। एट्थ में देखते हैं, द टायर्ड ओल्ड मैन केम इन फ्रॉम द रेन। दिया गया है द टायर्ड, थका हुआ ओल्ड मैन था, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनसर्कल हो गया इधर, बाकी प्रेडिकेट पे अंडरलाइन। अब देखो यहाँ पे दिया गया, ये भी कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं करना। देखो दिया गया, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट अ सेंटेंस अबाउट इट। कर ही लेना, आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हो। उस पर दिया क्या गया है, दिस इज अ चेयर, मतलब कि यहाँ पर एक फिगर वो दिया गया है, फिगर दिया गया है, पिक्चर दी गई है, उसको देख के एक सेंटेंस अपने आप से बना देना है आपको। तो इस पर दिया गया चेयर, चेयर क्या है, चेयर के बारे में लिख दो, दिस इज अ चेयर, ये एक चेयर है, हमने चेयर के बारे में एक सेंटेंस बना दिया। सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, प्रॉपर है, मीन्स भी निकल रहा है। टेबल है, दिस इज अ टेबल, सिंपल सा वही बना दूँ, क्यों इधर उधर जाना। फिर ताजमहल दिख रहा है, तो द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, सबको पता है ना आगरा में है ताजमहल, बस एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा सेंटेंस, अगर आपको आता है ताजमहल के बारे में तो कुछ भी लिख सकते हो। फिर दैट इज अ लायन, लायन है ना वो, देखो लायन है, तो यहाँ पर कर दिया हमने लायन। आप कर सकते हो लायन इज द किंग ऑफ जंगल, कुछ भी लायन के बारे में राइट कर दो। फिर कार के बारे में दिया गया, तो दिस इज अ कार, ये कार है एक, हमने सिंपल सा सेंटेंस राइट कर दिया। आप कर सकते हो आई हैव अ न्यू कार, या आई बॉट अ न्यू कार, आई हैव अ रेड कार, ऐसे कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस। ओके, एफ नंबर देखते हैं, मैच द सब्जेक्ट इन कॉलम ए विद सुटेबल प्रेडिकेट्स इन कॉलम बी टू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। कॉलम ए पर कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं और कॉलम बी पर कुछ प्रेडिकेट दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड होंगे, तो आपको मैचिंग कर देना है, सुटेबल जो भी हो। देखो फ्रॉक्स दिया गया है, फ्रॉक्स क्रॉक इन द पॉन्ड, जो फ्रॉक्स होते हैं वो तालाब में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। तालाब में देखा होगा, छोटा सा तालाब बना होता है, तो फ्रॉक्स वहां पर मेढक देखने को मिल जाते हैं। सेकंड में दिया गया द कुक, मतलब जो कुक मीन्स पकाना भी होता है ना, तो कुक मीन्स पकाने वाला भी होता है। तो यहाँ पर देखो इससे मैच कर देंगे, मेकर डिलीशियस सलाद, सलाद बनाता है एक अच्छा प्यारा सा, इतना स्वादिष्ट कि मुंह में पानी आ जाए। ठीक है, तो ऐसा वो क्या बनाता है, सलाद बनाता है, कौन, कुक। थर्ड नंबर देखते हैं, द डक, डक क्या करती है, क्वैक्स इन द लेक, लेक में मतलब अपनी तरह बोलती है, उनकी आवाज़ में क्वैक क्वैक करती हैं। ठीक है, डक।
इसके बाद फोर्थ में द कैमल, कैमल को बोलते हैं इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट का रेगिस्तान, सॉरी रेगिस्तान का वो बोलते हैं शिप, बोलते हैं जहाज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेगिस्तान में और सारी चीज़ें तो चलती नहीं है, जो ऊँट होता है वही ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ बालू होती है। इसके बाद फाइव में देखते हैं क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या करते हैं? गिव अस रेन, रेन लाते हैं, जो बादल आते हैं फिर बरसात आती है। द अर्थ इज राउंड इन शेप, अर्थ को क्या बताया गया है कि वो शेप में राउंड होती है। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, स्टार क्या करते हैं? रात में चमकते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं। सीप गिव्स अस वूल, सीप क्या करती है? हमें वूल देती है। ठीक है, सबका सबसे रिलेटेड दिया गया, सब्जेक्ट दिया गया, उससे रिलेटेड प्रेडिकेट दिया गया, तो आपको मैचिंग कर लेना है। चलिए, आपका अब एक्सरसाइज पूरा हो गया, फिनिश। तो आप लोगों ने टेक्स्ट बुक पर ही किया है, बस इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचानना और काइंड्स ऑफ सेंटेंस पहचानना, ठीक है, और प्रॉपर ऑर्डर पर अरेंज करना जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर कर ली, सेंटेंस पहचानना कि कौन सा प्रॉपर ऑर्डर में है, तो सेंटेंस है या नहीं है, सारी चीज़ आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। ठीक है, आप रिवाइज कर लोगे इसको अच्छे से, फिर आपका टेस्ट होगा, तो टेस्ट में आप अपना बेस्ट दोगे।